स्वागत है बहुत बहुत आपका, और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, और फिर आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। निगोही में पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा के अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। दलबल के साथ पहुंचे प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध निर्माण के एक हिस्से को गिराया। थाने के सामने बनी बिल्डिंग पर हुई सबसे पहले कार्रवाई। परौर पुलिस ने मां की हत्या की झूठी कहानी रचने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही लोगों को फंसाने के लिए बेटे धर्मवीर ने की थी बुजुर्ग मां की हत्या। वहां में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला पानी की टंकी पर चढ़ी। महिला टंकी से कूदकर जान देने की दे रही थी धमकी। सूचना के बाद पहुंचे नायब तहसीलदार ने महिला को समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। महानगर के मालखाना मोड़ इलाके की रहने वाली विधवा महिला ने भू माफियाओं पर लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने डीएम और एसपी से की शिकायत, कहा पति की मौत के बाद भू माफियाओं ने जबरन जमीन पर कब्जा किया। और विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक। डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। डीएम ने विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि दो दिन पहले राजस्व विभाग की टीम रोशनलाल वर्मा की संपत्तियों की नाप करने पहुंची थी। नाप में अवैध पाई गई संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम अब शुरू कर दिया गया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन के दो बुलडोजर निगोही थाने के सामने बनी रोशनलाल वर्मा की बिल्डिंग को गिराने के लिए पहुंचे और निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया गया। निगोही में रोशनलाल वर्मा की अवैध बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई होने के बाद विधायक ने चुनावी रंजिश की बात कही है, और रोशनलाल का कहना है कि यहाँ बिल्डिंग उनकी नहीं बल्कि उनकी विधवा बहू की है। विधायक ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ चुनावी रंजिश को मानते हुए की जा रही है। आपको बता दें कि दो दिन पहले जब राजस्व विभाग की टीम शिकायत पर नाप करने पहुंची थी, तब विधायक रोशन लाल वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्षता से कार्रवाई कराए जाने की मांग की थी। सिंधौली के खन्नौत नदी के पुल पर आज फिर लंबा जाम लग गया। यहाँ लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान दो एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। आपको बता दें कि यहां पुल की चौड़ाई कम होने के चलते आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। वाया थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में पालतू कुत्ते की पिटाई का विरोध करने पर दबंगों ने कुत्ते के मालिक के साथ जमकर मारपीट की और घायल कर दिया। आनंदपुर के रहने वाले डिम्पल ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया के पड़ोस के ही रहने वाले एक दबंग ने उनके पालतू कुत्ते को पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसका विरोध करने पर दबंग ने घर में घुसकर उनकी मां और उनके साथ मारपीट की। फिलहाल अब पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हल्लागंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से आधा क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने नया साहबगंज गांव के रहने वाले आमिर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आमिर लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। पुआया थाना क्षेत्र के दिलीपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। बोलेरो में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव राजापुर के चंद्रभान अपने परिवार के लोगों के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई और चंद्रभान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य चार लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जहाँ उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज मासिक पंचायत आयोजित की। पंचायत का आयोजन शाहजहांपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया था। यहां किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और उनके निस्तारण के लिए भी अधिकारियों से बात की गई। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। महानगर के केरुगंज इलाके में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां बच्चों को ले जा रही स्कूल बस का पहिया सड़क किनारे पाइप लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में धंस गया और बस हाई वोल्टेज लाइन के खंभे से जा टिकी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन डालने को लेकर ठेकेदार द्वारा जगह जगह पर गड्ढे खोद कर उनको खुला छोड़ दिया गया है, जिससे कई लोग गिर कर चोटिल हो चुके हैं। कोडारबंडा मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। यहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। हादसा कोडारबंडा रोड पर रूरा मोड़ के पास का है। क्वाएं की नवीन गल्ला मंडी में धरना दे रहे किसानों की मांगों को प्रशासन ने मान लिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसान कार्यकर्ता पिछले करीब 3 महीने से क्वाएं नवीन गल्ला मंडी में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी सभी मांगों को मानते हुए धरना समाप्त करा दिया है। मां की हत्या की झूठी कहानी रचने वाले कलयुगी बेटे को परौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला परौर थाना क्षेत्र के मईखुर्द कला गांव का है। यहां 2 अप्रैल 2022 को धर्मवीर ने पीआरबी को शिकायत देते हुए बताया कि उनकी मां घर पर घायल अवस्था में पड़ी है, जिससे गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घायल महिला को कलान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। यहां गंभीर हालत को देखते हुए महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से हालत में सुधार न होते हुए देख डॉक्टरों ने महिला को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया। यहां महिला की मौत हो गई। वही बेटे की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही शरीफ और पप्पू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वही विवेचना के दौरान पाया गया कि महिला के बेटे धर्मवीर ने ही रंजिशन दूसरे लोगों को फंसाने के लिए पुलिस को झूठी कहानी बताई। फिलहाल अब पुलिस ने आरोपी बेटे धर्मवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जलालाबाद के नगर पालिका सभागार में आज अस्पतालों के कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर एक खास बैठक की गई। बैठक में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुनील चौहान मौजूद रहे। इस दौरान बताया गया कि अस्पतालों के कचरे को इधर उधर ना फेंके बल्कि कूड़े को इकट्ठा करें और जिसे बरेली की ग्रीन संस्था इकट्ठा कर ले जाएगी, जिसका सदुपयोग किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर आज बंडा पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। महिला आरक्षियों ने बाजारों में घूमकर महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090 181 और डायल 112 नंबरों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में इन नंबरों पर कॉल कर मदद ली जा सकती है। वहां में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा काटा। पानी की टंकी पर चढ़ी महिला कूदकर जान देने की धमकी दे रही थी। आनन फानन में पहुंचे नायब तहसीलदार ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतरवाया। महिला का नाम सुनीता देवी बताया जा रहा है, जो कि बंडा थाना क्षेत्र के रामपुर हीरा गांव की रहने वाली है। फिलहाल बाद में पुलिस ने महिला को परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जलालाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हुआ। जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने फीता काटते हुए मेले का उद्घाटन किया। विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने कहा कि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इस दौरान विधायक ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज विकास भवन सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। बैठक में सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्हें कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह ने भी विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटार में आज स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली को भाजपा विधायक चेतराम ने हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया।
रैली की शुरुआत बीआरसी कार्यालय से की गई थी और नगर के गली मोहल्लों में जाकर अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया गया। महानगर के मालखाना मोड़ की रहने वाली हिमानी खन्ना ने भूमाफियाओं पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। हिमानी खन्ना का आरोप है कि उनके पति की मौत के बाद भूमाफिया प्रशासन की मिलीभगत से जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और बिना नक्शा पास कराए ही प्रशासनिक मिलीभगत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए अपनी जमीन का सीमांकन कराकर कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि वह पिछले 4 महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल सका। सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर के रहने वाले धनीराम ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। धनीराम का कहना है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए उसने आवेदन किया था और ग्राम पंचायत सचिव ने उसे मृत दर्शा दिया जिसके चलते उसको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने पूरी शिकायत को सुनते हुए तत्काल समस्या का समाधान कराए जाने के लिए बीडीओ सिंधौली को निर्देशित किया और समस्या का समाधान कराने की बात कही।